और दिल्ली दोपहर में अब बात रंगमंच की। राजधानी में 28 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक नाटक तुगलक का मंचन हो रहा है। यशपाल शर्मा और हिमानी शिवपुरी समेत करीब 50 कलाकारों ने गिरीश कर्नाड के लिखे इस ऐतिहासिक नाटक को अपने अभिनय से सजाया। तुगलक का निर्देशन किया है भानु भारती ने। मेरे वालिद को पहले ही तुम पर एतबार नहीं था, अब तो मैंने सारा हाल मुफस्सिल बता दिया। बेकारी जहमत उठाई। फिरोज शाह कोटला में तुगलक लौटा तो बिल्कुल उसी अंदाज में उसने दर्शकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया जिस अंदाज में करीब 4 दशक पहले इब्राहिम अलकाजी ने दिल्ली को अपने सम्मोहन में बांधा था। मेरी रूह की आवाज का कोई कतना ही कर सकता। ये आग भड़क कर रहेगी सुल्तान, तुम चाहे मुझे कत्ल कर दो। इस बार बागडोर भानु भारती के हाथों थी। अंधायुग का अनुभव दिल्ली अभी भूली भी नहीं थी कि तुगलक बनकर यशपाल शर्मा ने बादशाह और उसकी आवाम के बीच के रिश्तों को ऐतिहासिक रंग में रंग दिया। ऐलान कर दो, दिल्ली की घर की किसी भी खिड़की से रोशनी नजर ना आए, किसी भी घर के चिमनी से धुआं ना निकले, ये दिल्ली वीरान हो जाए, तभी हमें तसल्ली होगी। रंगमंच की दुनिया में ऐतिहासिक नाटकों की अपनी अहमियत है और इतिहास के सब्जेक्ट को हैंडल करने का भानु भारती का अपना अंदाज। तुगलक बने यशपाल शर्मा, सौतेली माँ के किरदार में हिमानी शिवपुरी, रवि खानवलकर, सीताराम समेत करीब 50 नामी कलाकारों ने फिरोज शाह कोटला में दर्शकों को यूं बांधा कि वो सांसें थामे रह गए। वो हम पर छोड़े हमें जान, हम खुद बरफ से नफीस वहां हाजिर रहकर वो तकरीर सुनेंगे, लेकिन याद रहे उसी रात हमें कूच करना है कन्नौज की तरफ, फौज और अस्तर है। बॉलीवुड की लकदक को नाटक के लाइव मंच पर उतारने और उसे भव्य बनाने में भारती माहिर हैं। संपन्न शहर के अमीर के साहबजादे शहाबुद्दीन को पहला भेजा है, वो 2 दिन में यहाँ पहुँच जाएगा। बिल्कुल ही अलग तरह के एसेसमेंट एक ही चरित्र के, ऐसा कोई चरित्र इतिहास में नहीं मिलता। इस एनिग्मा को गिरीश कर्नाड ने अपने स्टार्टअप में समझने समझाने की कोशिश की है और ये कंट्राडिक्शन जो इस पर्सनालिटी का है जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इतिहास में जानते हैं, उसे ही एक्सप्लोर करने का एक साइकोलॉजिकल प्लेन्स पर प्रयास ये नाटक है। साल 1964 में तुगलक गिरीश कर्नाड ने लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के इतिहास के सबसे ज्यादा विवादास्पद बादशाहों में से एक रहा है। ऐसे में नाटक न सिर्फ देश के इतिहास से जुड़े कई तथ्यों को उजागर करता है बल्कि युवाओं की ऐतिहासिक समझ को अभिनय की बारीकियों से निखारता भी है। मोहम्मद तुम मसरूफ तो नहीं? खूब मौके से आई अम्मी जान। अभी अभी हम इल्मे शतरंज के एक अहम मसले का हल तलाश रहे थे जिसमें पहुंचे हुए आलम भी नाकाम साबित हुए हैं। कुल मिलाकर दिल्ली के नाटक प्रेमियों के लिए इस ऐतिहासिक नाटक का फिरोज शाह कोटला के खंडहर में आयोजित होना एक अच्छा अवसर है। चीख चीख कर अपनी रियाया को आवाज दे, ऐ हमारी अजीज तरीन रियाया, उठो उठो, हम तुम्हें आवाज दे रहे हैं। रविवार से शुरू हुई नाटक की पेशकश 4 नवंबर यानी अगले रविवार तक चलेगी। रोशनी ठोकने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। नतीजा क्या हुआ बेचारे, जवानी में ही बुढ़ापे का शिकार हो गए या मारे गए? और वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखें आपकी प्रॉपर्टी।